हेलो गाइस, नमस्कार। हम धर्मेंद्र प्रसाद डीपी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत करते हैं। गाइस देखिए, आज बेटे को हमारे नो गाजर का हलवा खाने का दिल किया है। अभी हमारे ऑफिस से अभी घर में लड़ाई कर रखे हैं अपने मम्मी से। अभी हमसे अपना शिकायत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज गाजर का हलवा खाएंगे। तो ही बोले कि भाई गाजर का हलवा खिलाओ बेटा को, गाजर का हलवा खाओगे जी। हाँ तो देखिए आज इनके लिए गाजर के हलवा बन रहा है, आप लोग को दिखाते हैं। आज ये गाजर का हलवा खाएंगे। गाजर का हलवा किस तरह है आज इन्हीं से बनवाते हैं गाजर का हलवा। ये खाएंगे तो गाजर का हलवा कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ पड़ता है उसमें, सारे चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए गाजर का हलवा की तैयारी हो रहा है इनका। आज खाएंगे हमारे पीयूष बाबू गाजर के हलवा। तो इनके लिए गाजर का हलवा बना दो भाई, चलो बनाओ, इनका शिकायत दूर करो। तो गाय देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए अब गाजर का है तैयारी कर रहे हैं सब। गाय आज बेटा के लिए मेहनत हम ही को करना पड़ेगा। देख रहे हैं बेटा को आज गाजर खाने का दिल है। अब कपड़ा वपड़ा हम अपना चेंज कर लिया, अब बेटा के लिए अब हम ही को मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए छिप रहे हैं बनाने के डर से। अभी देखिए ये गाजर है और ये गाजर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बनाते हैं गाजर का हलवा। अभी इसको देखिए निकालते हैं गाजर, अब इसको धुलाई करेंगे, इसके बाद इसको छिलाई होगा, रगड़ाई होगा, इसके बाद बनाते हैं गाजर का हलवा। तो आप लोग देखिए गाजर का हलवा कैसे बन रहा है। ये देखिए गाजर को वॉशिंग हो रहा है, धुलाई हो रहा है, गाजी को गाजर को धो रहे हैं पीयूष बाबू। आज इन्हीं से बनवाएंगे क्योंकि इनको गाजर का हलवा बनाने का दिल किया है। तो इनको सिखाएंगे भी कि तुम्हीं को बनाना भी है, किस प्रकार से बनेगा, बस तुम करो, अपने से करो, सीखो। ये हमारे पीयूष बाबू गाजर का हलवा बनाएंगे, आज खिलाएंगे सब लोग को, हम लोग को। देखिए गाजर को धो रहे हैं, आज सारे कुछ इन्हीं से करवाएंगे ताकि ये आगे से सीख ले कि गाजर का हलवा बनता कैसे है। कभी दिल करेगा तो ये बना के खा लेंगे ना, है? सही रहेगा ना। चल धुलाई हो गया, हाँ। अब इसका कटिंग करो। वो कैसे? वो कैसे कैसे कटिंग होगा? काटो। अरे तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारे जो गाजर है वो कद्दूकस हो रहा है, लमसम हो ही चुका है। और इसको कद्दूकस में थोड़ा मोटा रह जाता है, ठीक ना? तो इसको समय ज़्यादा लगेगा, इसको पकाने में हम लोग को समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा इसको ना मिक्सी में ग्राइंडर करेंगे। मिक्सी में ग्राइंडर जब करेंगे तो ये देखिए इसका आकार कैसा हो जाएगा। ये देखिए इसका आकार हो जाएगा इस प्रकार का। जब ऐसा ग्राइंडर कर देंगे ना तो बहुत कम समय में पक जाएगा, ये लाजवाब बनेगा ना। अभी आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी हलवा बन गया है, अभी ये पक गया है, देख रहे हैं ना, इसमें और उसमें अंतर है। कद्दूकस तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंडर कर देंगे ताकि जल्दी सीख जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है ना। तभी देखिए हमारा गाजर तैयार हो गया। Thank you.
चालू करो। गाय देखिए अब तैयार हो गया है। देखिए घी डाल रहे हैं इसमें, ये देसी घी। इसमें गया घी, देख रहे हैं ठंडी में जम गया है। गाय ठंडी में गाजर के हलवा खाने का आनंद ही अलग है। देखिए घी पड़ गया यार, चक्कू में पानी है, चक्कू में पानी है बेटा, इसलिए आवाज आ रही है। देखिए इसमें गया है गाजर, गया घी में। इसमें देखिए ये जो मिक्सी में इसको ग्राइंडर कर रखे हैं वो वाली गाजर है, और इसी में भी डालेंगे इसको जो कि कद्दूकस कर रखे हैं। इसमें देखिए और ये भी डालेंगे जो कि ये कद्दूकस किया हुआ है। इसके लिए लेंगे बड़ा सा छोलनी, अब पड़ेगा जरूरत बड़ा छोलनी का। गाइस देख सकते हैं हलवा हमारा, इसमें घी के फोरन दे करके इसको भून दिए थे, अब इसमें पानी डाल के पका लिए थे, हल्का पानी डाले थे, अब इसके अंदर डालने जा रहे हैं। ये देखिए ये बारीक कटी हुई नारियल, सूखा नारियल गोला है, और चार इलायची है। अब इसमें डालते हैं दूध। देखिए हमारे हलवा जो है इसको ग्राइंडर कर दिए थे ना, तो इसलिए ये बहुत जल्दी गल गया। अब देखिए इसमें डाल रहे हैं, अब तो तब दूध पका। देखिए इसमें डाल दिए दूध, डाल दिए कटी हुई बारीक नारियल का गोला, डाल दिए इलायची, डाल दिए, अब इसको चलाते हैं।
अब देखिए इसमें डाल रहे हैं इतना किशमिश, ये गया इसके अंदर किशमिश, घड़ी हो गया, इलायची हो गया, और ये देखिए हलवा को, आह बेला जवाब हलवा देखिए। अब इसको पकाएंगे, ये हमारे पीयूष बाबू के हलवा 10 मिनट में हो जाएगा रेडी। इसको देते हैं ढाक। गाइस देखिए अब इसमें डाल रहे हैं चीनी, गाइस आप लोग देख सकते हैं हलवा हमारा बन करके रेडी हो गया। अब देखिए खाने के लिए हमारे पीयूष बाबू भी रेडी हो गए। आज पीयूष बाबू हमारा नाराज हो गए थे, पीयूष बाबू नाराज हो गए थे क्योंकि मम्मी से बोले अपना हलवा बनाने के लिए, मम्मी इनको मना कर दी। जैसे हम आए ऑफिस से पीयूष बाबू ने हमको पकड़ लिए, बोले कि चलो भाई तुम्हारा इच्छा पूरा करते हैं। गाइस ये लाजवाब हलवा बना है कि अब क्या बनाए, क्या बताए आप लोग को। देखिए देखिए पीयूष बाबू को निकालते हैं हलवा। गाइस आप लोग देख सकते हैं हलवा हमारा रेडी हो गया। अब ये देखिए दे रख रहे हैं ना ये लाजवाब हलवा, ये देखिए इसमें इलायची गड़ी किशमिश डाल करके एकदम बनाए हैं। पहले पीयूष बाबू को इतना खिलाते हैं, थोड़ा सा हम भी टेस्ट करते हैं। देख रहे हैं हलवा ना, ये देखिए ये मस्त बना है गाजर का हलवा। चम्मच कहाँ रखा है बेटा, ये रहा हलो, और बताओ कैसा हलवा बना है खा करके, खुश हो, अब नाराजगी दूर हो गया ना। कुछ बताना चाहते हो, नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा है, अच्छा है, मस्त है एकदम। गाइस आप लोग देख सकते हैं चटपटा हलवा बना है कि क्या बताएं आप लोग को, ये देखिए। वाह, ठंड में गाजर का हलवा खाने का स्वाद है कुछ अलग है। हाँ मियाज एकदम मस्त हो गया, कैसा लग रहा है बेटा। अच्छा लग रहा हलवा एकदम।
गाइस पापा ने आज बना दिया गाय का हलवा एक बात पे बोलने पे वो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम इसमें एकदम पापा ने बनाया और दिल खुश कर दिया मतलब कि इतना अच्छा बनाया है थैंक यू आज बहुत अच्छा पापा ने बना दिया और बस आज नहीं आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो गाइस बेटे का हमारी आज का ख्वाहिश था गाजर का हलवा खाने का ख्वाहिश इनका पूरा कर दिए और बहुत खुश हैं गाजर का हलवा खा करके बहुत खुश है और आप लोग देख लिए गाजर का हलवा किस तरह बनाए हम। गाइस आप लोग को हमारा गाजर का हलवा का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है। चलिए गुड नाइट।